guess I just wanna go, go, go to the deep end. वेलकम दोस्तों, Vivo X90 सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और आज आपको मैं स्पेसिफिकली X90 के बारे में बताऊंगा। इस बार उन्होंने कैमरे में कमाल के फीचर्स दिए और अक्सर उनकी जो X सीरीज होती है वो कैमरे में जादू करती है, X90 सीरीज भी कुछ वैसी करेगी। X90 Pro भी यहाँ पर ये देखेंगे इस तरीके का, और ये आपको पूरा लेदर डिजाइन और बहुत सारे फीचर्स देता है, बट हम आज ज्यादा बात करेंगे X90 की। फटाफट से यहाँ पर दोस्तों उसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स एकदम इनके ऐसे ही प्रीमियम होते हैं, तो जल्दी से बाहर आ पाओ। हाँ, तो ये देखेंगे सबसे पहले हमें हमारा फ़ोन मिलता है और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास जो कलर है ये ब्रीज ब्लू है, दिखने में X80 सीरीज जैसी है, बट इसको जो डिफ्रेंशिएट करता है वो उसका यहाँ पर ग्लॉसी स्ट्रिप यहाँ पर दिया है और इसमें लिखा है एक्सट्रीम इमेजिनेशन, और ये थोड़ा सा अलग टच देता है इसको। प्रीमियमनेस पहले भी था, अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। कैमरा का जो लेआउट है वो सर्कुलर है, थोड़ा सा रिंग उन्होंने साइड में दिया है, ये बहुत ही अच्छा प्रीमियम टच देता है इसको। और ये पीछे एकदम ब्रश जैसा फील आता है, उंगलियों के निशान नहीं पड़ते, मैट जैसा है और पीछे भी स्लाइट कर्व्ड है, तो मुझे यहाँ पर इसका ग्रिप बहुत अच्छा लगा है। ये 8.45 mm की थिकनेस है और 200 grams का है, और साथ में फ्रेम्स आपको मेटल में मिलते हैं, बैक आपको पूरा ग्लास में मिलता है। IP64 की आपको रेटिंग्स दी गई है, जी हाँ। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की है। लेफ्ट में आपको कुछ नहीं, एकदम प्लेन है। ऊपर आयर ब्लास्टर है, एक माइक होल दिया है, नीचे एक और माइक होल है, जो डुअल माइक मिलता है। सिम ट्रे यहाँ पर आपको नैनो सिम स्लॉट मिलता है, एक स्पीकर नीचे एक ऊपर, डुअल स्टेरियो स्पीकर से, और स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट वगैरह भी दिया गया है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी पोजिशनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जब आप ऐसे होल्ड करते बराबर से आपकी थंब जो है वो टच हो जाते हैं नीचे की साइड है, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है। एक्स एक्सिस आपको लीनियर मोटर वगैरह दिया गया है, तो आप अनलॉक करते हो उसमें हैप्टिक्स मिलता है, आप फोन को यूज़ करते हो। इनफैक्ट गेमिंग में भी अगर आप यहाँ से कहीं फायर हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा हैप्टिक्स आपको अच्छा मिल जाएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बढ़िया मिलती है। वैसे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, ये हमारे पास ब्रीज ब्लू, तो आपको एक ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा, तो जिसको जैसा ठीक लगे वो चूज़ कर सकता है। ऑलराइट, बॉक्स कंटेंट की बात करें तो बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है, तो उन्होंने आपको एक बैक केस दिया है एकदम नॉर्मल, और आपको कुछ कागजात वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, और साथ में दोस्तों बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आजकल ब्रांड्स बॉक्स में ही चार्जर प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने ये 120 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया है, वीवो का फ्लैश चार्ज, विच इज वेरी कूल, और साथ में उन्होंने यहाँ पर इस तरफ एक टाइप सी टू टाइप सी केबल भी दे दिया है। अब डिस्प्ले यूज है 6.78 इंच की फुल एच डी प्लस वाली, एक एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल है जो छोटा है, चिन काफी कम है, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे अगर आप गौर करते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। ये 3D कर्व्ड डिस्प्ले, तो होल्ड करने पर यूज करने पर डेफिनेटली काफी प्रीमियम लगेगा। HDR10+ वगैरह का सपोर्ट है, DCI-P300% यहाँ पर दिया है। इसमें जो कलर से जो कॉन्टेंट जब हमने व्यू किया था काफी शार्प और कलर्स भी बहुत अच्छे थे। ये 10-bit वाले डिस्प्ले, तो 1 billion कलर्स या उसके ऊपर ये प्रोड्यूस कर सकता है। सारे साथ स्कॉट सेंसेशन अल्फा की आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन दी गई है, और उसी के साथ 1300 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर के अलावा आउटडोर की भी जो विजिबिलिटी थी इसकी वो बहुत ही कमाल की थी। उसी के अलावा आपको 120 हर्ट्ज की इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, और 1000 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जब आप स्वाइप्स करते हैं, ऐप ओपन क्लोज वगैरह करते हैं, तो जो टच रिस्पॉन्स है और जो स्मूथनेस है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और उसके अलावा आपको जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन होता है, लो लाइट फिल्टर वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले में मिलेगा वो काफ़ी प्रीमियम है, वहाँ पर आपको बड़ा मजा आएगा। बट डिस्प्ले के मामले में एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें आपको कस्टम वीवो V2 चिप मिलती है, जो कि इमेजिंग में भी हेल्प करता है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन डिस्प्ले की बात करें तो स्क्रीन फ्रेम रेट इंटरपोलेशन वहां पर क्या होता है कि 90 FPS इन केस अगर आपको मिलता है तो वो 120 FPS तक जा सकता है, और ये सर्टेन गेम्स सपोर्ट करता है, तो फ्रेम रेट्स को भी इंप्रूव करता है। इनफैक्ट वीडियो में भी अगर आपको फ्रेम रेट्स इंप्रूव करना है तो ये उस मामले में भी काफी हेल्प करता है, तो ये जो V2 चिप है ना, डिस्प्ले में भी काफी सारे इंप्रूवमेंट्स यहां पर लेके आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 9200 लेटेस्ट 5G चिपसेट, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने एंटीटू किया, 1 million से ज्यादा यहाँ पर स्कोर आया, और साथ ही साथ CPU टोटल कुछ अराउंड 77% आया था, बट जो मैक्स हीट हुआ था ये 42 degrees Celsius था, विच इज गुड, क्योंकि गर्मी का महीना है और हमारी जब टेस्टिंग होती है हम उसको एकदम एक्सट्रीम में टेस्ट करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जब हम नॉर्मल यूज करेंगे तो ये 40 degrees Celsius में अंदर ही रहेगा। और हमने ये कैमरा सेंट्रिक फोन है तो उस पर बहुत सारे फोटोज लिए थे डे और नाइट में, तभी भी हमें कोई हीटिंग इशू यहाँ पर नहीं नजर आया। इनफैक्ट आप हाई एंड गेम्स भी खेलते हो, जैसे कि पबजी न्यू स्टार्ट, इसमें हमने टेस्ट किया, 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह डाला, उसमें भी 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, वहां पर भी ज्यादा हीट नहीं हुआ, और गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इसमें काफी अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट गेम में भी उन्होंने काफी सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दिए, अगर आपको परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, अगर आपको कलर्स वगैरह को इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें एक स्मॉल विंडो के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस गेमिंग का इसमें
बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ आपको उसमें LPDDR5 RAM का सपोर्ट है और UFS4 स्टोरेज का सपोर्ट है। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ चलता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट एंड्रो बेंच पे भी हमने जब टेस्ट किया था तो स्पीड टेस्ट इसका जो रीड और राइट था वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो परफॉर्मेंस में, गेमिंग में, डे टू डे लाइफ के टास्क में ये फोन एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा देगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, एंड्रॉइड 13 FantaJOS 13 पर आपको मिलता है और 3 साल के ईयरली OS अपडेट्स यानी कि एंड्रॉइड 16 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल आपको सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। हमने जब एप्स में ऐप ड्रॉअर में चेक किया तो इसमें मौज टकाटक फालतू के कोई एप्स उन्होंने नहीं दिया, मतलब इंप्रूवमेंट हुई है थोड़ी और साथ में, बट हमें हॉट एप्स हॉट गेम्स यहां पर दिखाई दिया जो कि आप चाहो तो वी ऐप स्टोर में जाकर उनको बंद कर सकते हैं, वी ऐप स्टोर की भी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, इनके ब्राउजर की नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी यहां से चले जाएगी। बाकी ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर जैसे पहले आपको मिलता था FantaJOS में वो वैसे ही मिलेगा। बैटरी दोस्तों 4810 mAh की मिलती है, अगर आप उसको वीवो X80 से कंपेयर करते हो उसमें 4500 mAh की थी, तो बैटरी कैपेसिटी यहां पर बढ़ गई है जो मुझे अच्छा लगा। और साथ में 120W का फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया है, वीवो X80 में समथिंग कुछ 80W का था तो ये भी उन्होंने बढ़ा दिया। अब ये आधे घंटे के अंदर आपके फोन को फुल चार्ज कर देगा, डिपेंड करता है, हमारा कुछ अराउंड 25-26 मिनट्स के आसपास गया था, तो अच्छी बात है कि इतना जल्दी आपके फोन को ये चार्ज करता है। और बैटरी बैकअप भी यहां पर अच्छा है, अगर आप इंटेंस यूज भी करते तो एक दिन तो आराम से चलेगा, अगर आप नॉर्मल यूज करते तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक दिन से ज्यादा आपको बैकअप दे सकता है। बट हमने इसको इंटेंस यूज किया था क्योंकि हमने कैमरे में बहुत फोटोज वगैरह लिए थे और बहुत सारे हम फुल ब्राइटनेस पर टेस्ट करते हैं, तो वहां पर बैटरी एक्सपीरियंस यहां पर डे टू डे लाइफ में अच्छा था। कनेक्टिविटी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो डुअल सिम आपको 5G का सपोर्ट मिलता है और आपको मल्टीपल 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। कैमरा टू API है, आपको वाइडबैंड L1 है, इसमें आपको Wi-Fi 6 मिलता है, आपको उसमें 2x2 मीमो वगैरह का सपोर्ट दिया है, मतलब रेंज कनेक्टिविटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में NFC वगैरह दिया है, ब्लूटूथ 5.3 और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। आते हैं दोस्तों कैमरे की तरफ, पिक्चर अभी बाकी है। 50 MP प्राइमरी सेंसर IMX866, ये सोनी वाला सेंसर है। OIS मिलता है आपको 4K वीडियो 60 FPS मैक्स सपोर्ट मिलता है। 12 MP का अल्ट्रावाइट सेंसर, ये भी सोनी सेंसर है। फिर 12 MP का आपको एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट सेंसर, ये भी सोनी सेंसर है। वैसे कि आपको Zeiss पावर्ड कैमरास यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसी के साथ सेल्फी 32 MP की यहाँ पर आपको मैक्स फुल HD 60 FPS मिलता है, बट यहाँ पर 4K नहीं है। और उसी के साथ आपको EIS और बहुत सारे फीचर्स सेल्फी में भी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर बात करते हैं इंटरेस्टिंग फीचर्स की, जैसे कि इस बार भी आपको Zeiss T कोटिंग मिलती है जो कि पहले Vivo के X सीरीज पर हमने देखा था, जो कि नाइट में अगर घोस्टिंग होती है, जैसे कि आप ये फोटो देखेंगे तो आपको इसमें कुछ डॉट्स नहीं दिखेंगे। बहुत सारे फोन्स में आजकल हमें नाइट में जब फोटोज लेते हैं या वीडियो लेते हैं तो वीडियो के बीच में हल्के वो लाइट्स के डॉट्स आते हैं, वो घोस्टिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है। और क्लैरिटी भी अगर आप देखोगे तो ये जो सेंसर जो उन्होंने यहाँ पर लगाया, इसमें जो Zeiss T कोटिंग दिया है, उसका ये जादू है। बाय द वे वीवो की जो V2 कस्टम चिप जिसके बारे में अभी आपको मैंने पहले बताया था, वो नाइट में भी इमेजिंग के दौरान बहुत हेल्प करती है, मतलब बहुत ही बढ़िया फोटोज इसके थ्रू, ये कस्टम चिप के थ्रू आप यहाँ पर निकाल सकेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें Zeiss नेचुरल कलर भी दिया गया है, अगर आपको अच्छे नेचुरल फोटोज लेने वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो फीचर है Zeiss लैंडस्केप और आर्किटेक्चर मोड, ये कमाल का फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर जैसे कि मिनिएचर इफेक्ट आपको मिलता है, अगर आप ऊपर की हाई स्टोरी बिल्डिंग से अगर आप फोटोज लेते हैं और अगर आपको सामने की जो बिल्डिंग्स है कोई भी चीज़ों को मिनिएचर में दिखाना है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगता है। थोड़ी बहुत हमने फोटोज यहाँ पर निकाला था। और आपको एक ऑटोमेटिक पर्सपेक्टिव करेक्शन मिलता है, जैसे कि अगर आपने कोई फोटोज लिया है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बिल्डिंग वगैरह हम थोड़ा ऐसा करके लेते हैं, तो ये मोड में जब आप फोटोज लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट कर देता है। ये मुझे काफ़ी कूल लगा और जो काम भी बहुत अच्छा करता है, जो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट भी आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं और साथ में जब हमने फोटोज लिया था उसका भी इफेक्ट आप देख सकते हैं। Zeiss सिनेमैटिक वीडियो बुके आपको मिलता है, डे हो या नाइट हो, आप बढ़िया यहाँ पर सिनेमैटिक वीडियो बुके यहाँ पर निकाल सकते हैं। वैसे कैमरे में हमने एक एस्ट्रो मोड भी देखा था, पहले क्या होता था हमें ट्राइपॉड पर लगाकर स्टिल होना चाहिए फोन, जब जाके हम बढ़िया एस्ट्रो फोटोज ले सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आपको हैंडल मोड मिलता है, ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है, अपने हाथ में फोन रखकर ही आप थोड़ा सा स्टिल रखेंगे तो अच्छे आप यहाँ पर एस्ट्रो फोटोज भी जो वो निकाल सकेंगे। वैसे आपको मूवी मोड वगैरह मिलता है, वीडियो में HDR का भी सपोर्ट दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको उसमें एक्सट्रीम नाइट वीडियो मिलता है, बहुत कम ऐसे फोन से, इनफैक्ट फ्लैगशिप की भी मैं बात करता हूं, जो नाइट में कमाल के वीडियोस यहां पर निकालते हैं और Vivo X90 उनमें से एक है। अगर आप क्लैरिटी देखते हैं स्टेबलाइजेशन के साथ साथ तो बहुत ही कमाल का, ये हमने लिया था। और ब्राइटनेस भी अगर आप देखोगे, जो कस्टम V2 चिप यहाँ पर ऐसे काम करती है, आप देखोगे थोड़ा डल कंडीशन में भी अगर आप जाते हो तो काफ़ी ब्राइट वीडियोस आपको निकाल कर देता, तो मैं एक्सट्रीमली हैप्पी था जब हमने नाइट में इससे वीडियोस निकाला, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको प्रो स्पोर्ट्स मोड मिलता है, डे हो या नाइट हो, नाइट का भी स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, अगर आप मूव करते हैं चाहे वो वीडियो हो या फोटो हो, तो जो ये ब्लर फ्री फोटोज लेने में आपकी हेल्प करता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। और हाँ, स्लो मोशन की बात करें तो फुल HD 120 FPS और 720p में आपको
आपको 480 fps, तो ये आप दिन में भी देखेंगे, कमाल का है। लेकिन नाइट में भी बड़े बड़े फोन मार कर जाते हैं स्लो मोशन में। इसने बढ़िया स्लो मोशन वीडियो लिया था नाइट में, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पोर्ट्रेट में कुछ बात करते तो आपको इसमें जीज का सिने फ्लेयर पोर्ट्रेट एक फीचर मिलता है। अगर आपको बेसिकली ये दिन में अगर आपको बढ़िया फ्लेयर इफेक्ट चाहिए, बाय द वे सिर्फ रियर में काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिफिशियल फ्लेयर यहाँ पर देता है इफेक्ट, जो काफी प्रीमियम लगता है। अगर आपको हाई क्वालिटी अच्छे फ्लेयर वाले फोटोज लेने तो ये आपके लिए है। और नाइट में भी अगर आपको चाहिए तो कुछ वैसे आप यहाँ पर जो वो कर सकते हैं। उसी के साथ आपको एक सिनेमैटिक मोड मिलता है, ताकि अगर आपको ओवल शेप यहाँ पर बोके सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो सेट करना है आप वो ले सकते हैं। वैसे ये सेल्फी रियर दोनों में काम करता है। आपको एक प्लानर स्टाइल भी मिलता है, लाइट बोके इफेक्ट अगर आपको लेना है कमाल के ले सकते हैं। ये सेल्फी रियर दोनों में मिलता है, बायोटर मिलता है, सोली बुके स्टाइल चाहिए ये रियर सेल्फी दोनों में। एक और आपको डिस्टिगन पोर्ट्रेट इफेक्ट मिलता है, जो कि अगर आपको हॉलीवुड बुके स्टाइल लेना है रियर सेल्फी दोनों में काम करता है। सोनार मिलता है अगर आपको क्रीमी बैकग्राउंड बुके चाहिए। तो काफी सारी चीजें दिया है जो बेसिकली रियर के साथ साथ सेल्फी में भी कुछ काम करते हैं। अब एक और चीज आपको बता रहे थे, ये वाला फोटो अगर आप देखोगे तो काफी कमाल का इसने जो वो फ्लेयर को एडजस्ट किया है। डेफिनेटली वीवो V2 कस्टम चिप कहीं ना कहीं तो काम करती है। और उसका एक और सबूत मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। एक फोटो ये वाला लेफ्ट वाला देखेंगे तो ये नॉर्मल फोन से लिया गया है, आपको खुद पता चल जाएगा कि नाइट में फ्लेयर को भी ये कैसे कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की। तो दिन में हमने बहुत सारे फोटोज लिया था, तो फोटोज आप देखेंगे वार्म और वाइब्रेंट यहां पर लगते, दिखने में थोड़ा आई को अच्छा लगता है। और अगर आप डायनामिक रेंज देखते हैं, बोके शॉट्स वगैरह देखते हैं, अच्छा है, शार्पनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। और रियर वीडियो देखते तो काफी बढ़िया आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है। इनफैक्ट इसमें शार्पनेस, डायनामिक रेंज सब कुछ अच्छा मिलता है। हमने थोड़ा फास्ट वॉक भी किया था, ये वाला देखेंगे थोड़ा फास्ट है, फिर भी अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो फ्लिकरिंग इशू आपको यहां पर नहीं है। और सेल्फी वीडियो देखते तो सेल्फी वीडियो भी अच्छा है। अगर आप बैकग्राउंड में डायनामिक रेंज पर फोकस करते हैं, स्काई पर या दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो काफी क्लियर और स्टेबलाइजेशन भी सेल्फी वीडियो में आपको अच्छी मिल जाती है। साथ में कुछ और बेसिक आपको नाइट फोटोज हम दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की अगर आपको फोटो लेना है, कलर्स वगैरह हो, ब्राइटनेस हो, वो सब कुछ अच्छा लेता है, ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा। और सेल्फी नाइट फोटोज भी देखते तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के फोटोज ले सकते हैं। पोर्ट्रेट भी काफी अच्छी आती है नाइट के अंदर, और साथ ही साथ नाइट सेल्फी वीडियो देखते, रियर तो हमने आपको बताया लेकिन सेल्फी वीडियो भी देखते नाइट में। बड़े बड़े फोन मार खा जाते हैं, यहां पर इसने उस मामले में भी काफी अच्छा काम किया। वैसे सारे फोटोज वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपने हिसाब से जाइए चेक करिए और खुद जज करिए। अब जाते जाते दोस्तों, जो भी था इस फोन के बारे में हमने आपको बता दिया, काफी प्रीमियम फोन है, स्पेशली कैमरा बहुत ही कमाल का है और नाइट में तो ये बहुत कमाल की फोटोज ले लेता है। और ये है X90 Pro जो कि और भी ज्यादा एडवांस है। ये जो X90 है 8GB RAM 256GB स्टोरेज इसका बेस है और 12GB RAM 256GB स्टोरेज इसका हायर है। प्राइस के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, मैंने लॉन्च से पहले बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में सब कुछ अपडेट कर देंगे, आप वहां पर जाके चेकआउट करिए। साथ में ई सिम का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है और उसी के अलावा इंटरनेशनल वारंटी भी यहाँ पर कवर होती है। ओवरऑल अच्छा लगता है कि वीवो वाले जो है वो कैमरे में बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं और अच्छी क्वालिटी की फोटोज लेते हैं। तो आज की तारीख में हम इनको S23 अल्ट्रा हो या iPhone 14 Pro Max वगैरह से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि मैं फ्यूचर में एक वीडियो लाऊंगा कैमरे पर, उसके लिए आप बने रहना। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।